रिसेंटली लॉन्च सैमसंग गैलेक्सी M35 5G और 2023 में लॉन्च हुआ सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G जो स्नैपड्रैगन वाला वर्जन है। अगर ये दोनों फोन अराउंड 25,000 रुपीज में देखने को मिले तो आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए, ये वीडियो उसी बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि M35 5G तो 20K के अंदर आता है, बट वो 6+128GB वाला वेरिएंट। मैं बात कर रहा हूँ 8GB+256GB वाला वेरिएंट। सो वीडियो को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, मैं बेसिकली यहाँ पर चार पॉइंट के ऊपर बात करने वाला, जिससे आपको डिसीजन लेने में आसान हो कि कौन सा फोन आपके लिए सुइटेबल है, आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, अपडेट। अब यहाँ पर ही आप डिसीजन मेक कर सकते हो कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G जो स्नैपड्रैगन वाला वर्जन है वो एंड्रॉइड 13 के साथ लॉन्च हुआ था 2023 में, और इस फोन को तीन मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलने वाला है, मतलब एंड्रॉइड 14, 15, 16। उसके बाद इसमें कोई भी एंड्रॉइड का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, सिक्योरिटी पैच का अपडेट और भी मिलेगा एक साथ। और जो सैमसंग गैलेक्सी M35 5G है वो एंड्रॉइड 14 के साथ ही लॉन्च हुआ है, और इस फोन में 4 ईयर्स का मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा, मतलब एंड्रॉइड 14 तो है अभी, 15, 16, 17, 18 तक का अपडेट मिलेगा इसमें। सो यहीं पर आप देख सकते हो एंड्रॉइड 16 लास्ट अपडेट रहेगा S21 FE में, और एंड्रॉइड 18 लास्ट अपडेट रहेगा सैमसंग M35 5G में। तो अगर आपके लिए फीचर उतना मैटर नहीं करता, आप फोन एकदम नॉर्मल यूज करते हो और आप फोन बहुत ज्यादा दिन के लिए यूज करते हो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि 3-4 साल तक फोन यूज करते हैं, तो आई थिंक अपडेट के हिसाब से आपको सैमसंग गैलेक्सी M35 5G के लिए जाना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट है प्रोसेसर और रैम और स्टोरेज टाइप। तो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE में आपको मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर, और वहीं पर सैमसंग गैलेक्सी M35 5G में मिल जाएगा आपको एक्सिनस का 1380 प्रोसेसर। अब दोनों का एंटूटू बेंचमार्क स्कोर आप यहां पर देख सकते हो, दोनों में लगभग 80-90,000 का स्कोर का डिफरेंस। सो इसी से आप समझ सकते हो कि कौन सा फोन में परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिलने वाला है। और उसके साथ साथ ही अगर मैं यहाँ पर स्टोरेज और रैम टाइप की बात करूं, तो इसमें भी सैमसंग S21 FE बहुत आगे, क्योंकि S21 FE में आपको मिल जाएगा UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप और LPDDR5 रैम, लेकिन M35 5G में मिलता है UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप और LPDDR4X रैम टाइप। तो हाँ, परफॉर्मेंस के मामले में सैमसंग गैलेक्सी S21 FE आगे है। पॉइंट नंबर 3, कैमरा। मैं यहाँ पर मेगापिक्सल की बात नहीं करूंगा, मैं जो बात करूंगा वो रहेगा प्रैक्टिकल के ऊपर। सो मानो या ना मानो, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE ज़्यादा कंसिस्टेंट है कैमरा परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि मेरे पास सैमसंग M35 5G है। अब इसमें से मैं 10 फोटो अगर क्लिक करूँ तो उनमें से हो सकते हैं कि 5 फोटो बढ़िया आ जाए, लेकिन वहीं पर सैमसंग S21 FE में आपको 10 में से 8 फोटो ही बढ़िया देखने को मिले। सो ऐसा भी नहीं है कि सैमसंग M35 5G का कैमरा बेकार है, वो भी बढ़िया आउटपुट निकल के दे देगा, बट एक्यूरेसी कम है, कंसिस्टेंसी कम है। पॉइंट नंबर 4, बैटरी। अब नो डाउट यहाँ पर क्लियर विनर है सैमसंग गैलेक्सी M35 5G, क्योंकि सैमसंग M35 5G के अंदर आपको देखने को मिलता है 6000mAh का बैटरी, वहीं सैमसंग S21 FE में मिलता है 4500mAh का बैटरी। बट यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है सैमसंग M35 में भी, बिकॉज सैमसंग M35 में जो चार्जिंग स्पीड मिलता है वो 25 वॉट का ही मिलता है सिर्फ। हाँ, सैमसंग S21 FE में भी 25 वॉट का ही है, बट उसमें क्योंकि बैटरी कम है तो चार्ज बहुत जल्दी होता है M35 के मुकाबले। मैं इस फोन को यूज कर रहा हूँ लगभग 1.5 से 2 दिन ये बैटरी बैकअप निकाल के दे देता है, बट जब चार्ज में लगाता हूँ तो लगभग 2.5 से 3 घंटा लग जाता है इसको फुल चार्ज होने में। अब हो सकता है कि मेरे पास सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर नहीं है, मैं MI के चार्जर से चार्ज कर रहा हूँ। अगर आपके पास सैमसंग M35 5G है और आप सैमसंग के ओरिजिनल चार्जर से चार्ज कर रहे हो, तो कमेंट पर बताओ कि आपके फोन पर कितना टाइम लगता है फुल चार्ज होने। अब लास्ट में बाकी पॉइंट्स की बात करें तो डिस्प्ले, स्पीकर और भी बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं सभी लगभग सेम ही मिलता है दोनों फोन में, बट कुछ फ्लैक्सी फीचर जैसे वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, IP68 का वाटरप्रूफ, ये सब मिलता है सैमसंग S20 FE में। तो अब आते हैं कंक्लूजन में। सो जैसे कि आपने देखा, बैटरी और अपडेट, इन दोनों में सैमसंग गैलेक्सी M35 5G S21 FE से आगे है, बट वहीं पर परफॉर्मेंस और कैमरा में S21 FE आगे। चिंता मत करो, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, सीधा सीधा बताता हूँ। अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि आपको ज्यादा अपडेट चाहिए, ज्यादा दिन के लिए आप फोन यूज करना चाहते हो, तो सैमसंग M35 5G आप ले सकते हो। बट अगर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया और अच्छा कंसिस्टेंट कैमरा वाला फोन चाहिए, तो आप सैमसंग S21 FE के लिए जा सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, उसमें एंड्रॉयड 16 तक का ही लास्ट अपडेट मिलेगा। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख लेना आपको कौन सा चाहिए और उसी हिसाब से परचेस करना। और भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन पर बता सकते हो, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो में कुछ भी अच्छा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।